तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली MIUI सिस्टम लॉन्चर का एक नया अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है लेटेस्ट बिल्ड नंबर के साथ। तो उसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन की गई, कुछ फिक्स किया गया, क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है नई, तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो अगर आप लोग कोई भी डिवाइस यूज करते हो Xiaomi का तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली MIUI सिस्टम लॉन्चर का एक नया अपडेट रोल आउट कर दिया गया। जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, ये जो अपडेट है ये MIUI लॉन्चर अल्फा का लॉन्चर का अपडेट है, ठीक है। अल्फा लॉन्चर का एक नया अपडेट देखने के लिए मिलता है और इसका जो बिल्ड नंबर है वो मिलता है 4.39 का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 4.39 का एक मेजर बड़ा अपडेट देखने के लिए मिलता है और अब बिल्ड नंबर आप लोग चेक कर ही सकते हो। बाकी यहाँ पर अपडेट लॉक की बात करें तो इसमें क्या नया देखने के लिए मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा फिक्स द प्रॉब्लम दैट द एक्सप्लोजन एनिमेशन डज नॉट एग्जीक्यूट। इसको एनिमेशन के रिलेटेड इसको फिक्स किया गया। इसके अलावा यहाँ पर जेस्टर ऑप्टिमाइज किया गया, यानी कि जेस्टर रिलेटेड जो भी इशूज देखने मिलते हैं उसको भी यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर दिया गया और यहाँ पर एनिमेशन में भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज होकर देखने के लिए मिल जाता है। दो तीन चीजें यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज होकर देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर इसकी जो APK है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से आप लोग सिंपली टेलीग्राम पर चले जाना है, वहां से डाउनलोड कर लेना, वहीं से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। और हाँ, जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जाकर ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आप लोग को यहाँ APK भी मिल जाएगी MIUI अल्फा लॉन्चर के नए अपडेट की। तो जाकर ट्राई करो, अगर आपको पुराने अपडेट में कोई भी इश्यूज देखने के लिए मिलते तो आप लोग इस अपडेट को ट्राई कर सकते हो और यहाँ पर आपको छोटे मोटे ऑप्टिमाइजेशन भी देखने के लिए मिल जाएगी। और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपकी डिवाइस में अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑल पे पिक कर देना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।